वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हमारी एक्सरसाइज 13.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4th तक हमने कल कर लिया था, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ये भी हम कर चुके थे, यहाँ पर हमने एलसीएम लेना सीखा था। देन क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाइड 2 × 10⁻³। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और यहाँ पे आपका क्या है, स्टार्टिंग का जो फंडा है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 × 10⁻³। अब देखिए, यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे घबराने की जरूरत तो होती नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आया है या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका कोई ना कोई आंसर तो जरूर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे टाइम पे जब हम आ जाते हैं और हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जब ये लिखा हुआ है 2 × 10⁻³, तो मतलब ये क्या हमारे लिए थोड़ा हार्ड लगेगा हमें। ठीक है, आप लोगों को क्या लगेगा, ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, तो ये हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा ईजी है कि आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आप कहोगे कि क्या ये क्वेश्चन ऐसा था। ठीक, तो हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक से चलते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो देखिए यहाँ पे क्या है, पावर कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम इस पावर को यहाँ से गायब करना होता है। अब पावर का मतलब क्या है, अब देखना एक चीज़ को सबसे ज़्यादा नोटिस आपको इस चीज़ का रखना है कि जो पावर है आपकी वो किसके ऊपर है, 10 के ऊपर है, ना कि हमारे 2 के ऊपर है। इन दोनों के बीच में जो साइन है वो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब 10 के ऊपर यदि हमारी पावर लगी हुई है, मतलब क्या है, 10 की पावर जो लगी है 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 × 10 × 10। अब इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका यही होता है कि पावर जितनी है पहले उतनी बार इसको लिख लो। ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इंटू है और 2 है, यानी कि 2 × 10 × 10 × 10 में ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से टूट जाएगा। आपकी जो 3 पावर थी उतने टाइम हमने 10 लगा लिए थे। अब क्या करना है हमें, ये जो 3 है, 3 टाइम जो आपके 10 है, इनको करो आपस में क्या मल्टीप्लाई। हम देखते हैं 10 × 10 होता है 100। ठीक है, 10 × 10 होता है 100। अब जो 100 है हमारे पास, उसका यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 10 में, तो ये बनाता है हमारे लिए 1000 बनाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 1000। क्लियर, मतलब 10 × 10 होता है 100, और 100 × 10 होता है हमारा 1000। जब हमारा 2 × 1000 आ गया, तो क्या हम 2 × 1000 को 2000 कर सकते हैं। ये क्या बता रहा है हमें कि 2 का मल्टीप्लाई होना है इसमें, तो 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, फिर 2 से 0 हुआ फिर से 0, 2 से 0 हुआ तो फिर 0 हुआ, और 2 से 1 हुआ तो आ गया हमारे पास 2000 हमारा आंसर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड की क्या कंडीशन होती है, जब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, पीछे से आगे की ओर जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड की कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर डी यूज़ कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई के लिए एम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पीछे से आगे की ओर जाएंगे, और जब हमको क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो हम आगे से पीछे की ओर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है इसका वो हमें मिल जाएगा, 2000 हमें मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो सेकंड क्वेश्चन में हम इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सब आप करोगे कि आपने इसमें कितना समझा है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 × 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2। अब देखिए, इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीज होने चाहिए, या तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, ठीक है, या फिर आपको स्क्वायर और क्यूब याद हो। तो स्क्वायर की बात करते हैं, 7 की पावर 2 यानी कि 7 का स्क्वायर कहा जाता है इसको। अब इसको भी तोड़ लो, 7 × 7, जिस तरह हम 10 को तोड़ रहे थे उसी तरह हम 7 को तोड़ेंगे। यहाँ पे क्या है आपके साथ, इंटू है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2, ये आपको हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको इसका स्क्वायर मालूम है तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4। हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन आप क्या करें, जब हमें स्क्वायर ही याद नहीं है तो हम ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 2 टाइम लिखा हुआ है ना, 7 पावर 2 यानी कि 7 कितना लिखना है, 2 बार लिखना है। 2 की पावर 2 यानी कि 2 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो लगा दो, 7 × 7 क्या होता है हमारा, 49 होता है, और इंटू 2 × 2 क्या होता है हमारा, 4 होता है। क्लियर, अब 49 × 2 मतलब × 4 है,
चाहो तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 49 इंटू टू इंटू टू, तो देखना 49 है, 49 इंटू टू यानी कि 49 का क्या डबल, तो 49 का डबल क्या होता है, हमें इसमें तुरंत कैलकुलेशन करना आना चाहिए, जितनी स्पीड में कैलकुलेशन होगी उतनी स्पीड में हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, या तो हमें इसका स्क्वायर याद होता तो हमारी कैलकुलेशन हो जाती, या फिर हमें क्या होता कि इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब 49 इंटू टू यानी कि 49 का क्या डबल, तो हम देखते हैं 49 इंटू टू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए, 49 इंटू टू करो तो 9 2 18 पावर आएगी आपकी 1 की, और फिर 2 इंटू 4 यानी कि 8 और 1 आ गया आपका क्या 9, फिर से इंटू 2 है ठीक। अब यदि हम देखते हैं कि 49 को 49 में ऐड करने पर कितना आता है, 49 को 49 में प्लस करने पर कितना आता है, तो 9 और 9 18 होता है, तो 18 का 1 और 4 और 4 9 और 8 यानी कि हमें इतना ही मिला, यानी कि 49 का दुगना या डबल कितना है 98 होगा। अब यहाँ पे 98 का इंटू 2 यानी कि 98 का क्या करना है हमें डबल करना है, तो कर लीजिए 98 का डबल क्या होता है 8 2 16 6 पावर आई 1 और 2 9 18 और 1 19 यानी कि 196 हमें यहाँ से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा हमारे पास 196 हो जाएगा ठीक है। अब हमें इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक आप यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और इसका जो फर्स्ट वाला है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लिखा हुआ है -4 का क्यूब यानी कि -4 का क्यूब। अब देखो जो माइनस मतलब जो पावर लगी हुई है वो तीनों पर लगी हुई है, यानी कि 3 माइनस है और 3 क्या है 4 है, तो -4 इंटू -4 इंटू -4 से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें एक बात इस यहाँ पर एक बात का और नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज ये है कि जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनाते हैं हमेशा प्लस बनाते हैं ठीक है, तो हम लिख सकते हैं माइनस माइनस मतलब 4 माइनस 4 इंटू -4 आएगा आपका क्या 16 आएगा, जो कि रहेगा आपका प्लस में। अब 16 का आपको मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4 के साथ यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू। अब इसके सामने कोई पावर नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो ये कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस हुआ था, तो प्लस 16 इंटू माइनस 4। अब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इन साइन का मल्टीप्लाई, तो इस प्लस का मल्टीप्लाई मैं इस माइनस में करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस आएगा। अब 16 का 4 में मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो यहां मुझे मिल जाएगा 64 ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा 64 रहेगा -64। यदि आपको 4 का क्यूब याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि -4 का जो क्यूब होगा आपका वो हो जाएगा -64, क्योंकि एक बार जो हमारा माइनस है वो प्लस होगा और फिर से क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होकर वो माइनस बन जाएगा। तो यदि 4 का क्यूब याद होता तब भी -64 आंसर आता, और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा -64 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं वो सब क्या करने हैं आपको सॉल्व करने, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका और देखो एक छोटा सा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है फर्स्ट वाला 8 का ठीक है, यहाँ ध्यान देना, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 फिर उसके साथ लिखा हुआ है इनको कंपेयर करना यानी कि इनमें से बड़ा और छोटा बताना है 1.7 इंटू 10 टू द पावर 4। ऐसा आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें से हमें क्या करना है कंपेयर करना है यानी कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, हम सिर्फ इन अक्षरों को देखते नहीं है, इनको क्या करो निगलेक्ट करो, इनको छोड़ दो। अब ये देखो यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 10 की पावर क्या है 4 है, यहाँ 10 की पावर 12 है, तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे वो इसका आंसर आएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12, ये क्या होगा बड़ा होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 से। हमें क्या करना है अब यहाँ पे हमें सिर्फ पावर गिनना है, पावर काउंट करना है, इसकी 12 पावर है यानी कि ये 12 बार लिखाएगा, इसकी 4 पावर यानी कि कितने बार लिखाएगा 4 बार लिखाएगा, तो 12 और 4 में बड़ा क्या होता है 12 बड़ा होता है ना, इसलिए क्या होगा हमारा जो
2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 बड़ा हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 से। और ये जो साइन होता है, ये साइन मतलब ये इसको एक चिड़िया मानो, और जो चिड़िया का मुंह होता है जिस साइड को ओपन होता है वो बेली का होती है बड़ी होती है। देखो चार साइन होते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा बना लेते हैं, उनमें हम चार साइन को देखेंगे। यदि आपका लेफ्ट वाला जो बड़ा है, सपोज करो आपका जो लेफ्ट वाला बड़ा है राइट से, तो आपका मुंह कहाँ खुलेगा? लेफ्ट में। यदि आपका राइट वाला बड़ा है लेफ्ट से, तो आपका मुंह कहाँ खुलेगा? लेफ्ट में। यदि दोनों बराबर हैं तो इक्वल का आपको साइन यहाँ पर आएगा। और यदि ये साइन आया, यानी कि लेफ्ट वाला राइट के बराबर मतलब बड़ा भी है और क्या है, इक्वल भी है, तो ऐसे आपके इन साइन का यूज यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, देन बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।